पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही हुनरमंद कलाकार की, नाम सदाशिव दत्तारे अमरापुरकर। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म हुआ 11 मई 1950 में। जगह का नाम था अमरापुर, जो कि शेव गांव तहसील का हिस्सा रही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। सदाशिव अमरापुरकर साहब ने अपने स्कूल के दिनों में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। आगे जाकर पुणे यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। धीरे धीरे ये मराठी थिएटर का हिस्सा बन गए और आगे जाकर इन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि तकरीबन 50 नाटक डायरेक्ट भी किए। इनकी पहली फिल्म में ही इन्होंने बाल गंगाधर तिलक का निभाया। ये फिल्म जयू पटवर्धन ने डायरेक्ट की थी और नचिकेत पटवर्धन ने। सदाशिव अमरापुरकर साहब ने थिएटर और फिल्मों में कई अवार्ड जीते। इनकी पहली हिंदी फिल्म मानी गई गोविंद नहलानी की अर्धसत्य, जो कि सन 1983 में आई। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीबन इन्होंने 300 फिल्मों में काम किया, हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, हरियाणवी, तेलुगु और तमिल। 80 की दहाई में सदाशिव अमरापुरकर साहब ने मराठी स्टेज पर एक नाटक किया था, नाम था जिसका हैंड्स अप, और इसी नाटक में इनकी परफॉर्मेंस देखी थी गोविंद नहलानी ने। सदाशिव अमरापुरकर साहब की डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज एकदम मुख्तलिफ रहा, चाहे विलेनस रोल्स रहे या फिर कॉमेडी। फिल्म आंखों को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसमें कादर खान के साथ इनकी केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए। ओह सर, आप इस दुकान में पार्टनर है क्या? अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है। अच्छा अच्छा, आ गया हसमुख, आ गया आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं। तू अपनी आधी पगार मुझे देगा? पागल हो गया, पागल हो गया, ए भगवान, मेरा दोस्त पागल हो गया। अरे पागल नहीं बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया। कैसे? मैंने है ना 2 दिन पहले दुकान बेच दिया था। क्या? हाँ। किसको? ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था। हाँ। उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको। कॉन्ग्रेचुलेशन। ए अंडो पांडो। यस सर। ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे ओ इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो, बर्बाद हो गया और तू मिठाइयां मंगवा रहा है। अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा। सदाशिव अमरापुरकर साहब ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वो आर्ट सिनेमा रही या हार्ड कोर कमर्शियल सिनेमा या फिर हॉरर, जैसे कि पुराना मंदिर। आगे जाकर अमिताभ बच्चन साहब के साथ ये नजर आए थे फिल्म आखिरी रास्ता में, धर्मेंद्र साहब के साथ फिल्म हुकूमत में, फिर तो मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, काल चक्र, ईश्वर, ऐलान जंग, फरिश्ते, वीरू दादा, नाकाबंदी, बेगुनाह, इन फिल्मों की एक लाइन से लग गई। 90 की दहाई में इन्होंने फिल्में की जैसे कि आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1, गुप्त हिडन ट्रुथ, आंखें, इश्क और ये फेहरिस्त वाकई लंबी है। इन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसमें वहीदा रहमान भी थी, फिल्म का नाम रहा स्वयं। फिल्म सड़क में इन्होंने महारानी का किरदार निभाया था और इस किरदार ने सब पे बड़ा गहरा असर छोड़ा था। एक ऐसा विलन, एक ऐसी भूमिका जो डराती भी थी और हैरान भी करती थी कि कैसे कोई एक्टर इस किरदार को इतना बखूबी निभा सकता है। कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। आ? देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम
महारानी। सदाशिव अमरापुरकर साहब फिल्मों तक ही मर्यादित नहीं रहे, सोशल वर्क में भी इन्होंने हाथ आजमाए। अफसोस की बात है कि मात्र 64 बरस की उम्र में सदाशिव अमरापुरकर जैसा हुनरमंद कलाकार ये दुनिया छोड़ चल बसा। तारीख 3 नवंबर सन 2014, भारतीय रंगमंच और सिनेमा के इतिहास में सदाशिव अमरापुरकर साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।